अनदर रेस, सेम विनर्स सेम लूजर्स। बहुत कुछ हुआ बेल्जियम ग्रांड प्री के अंदर, बट इस सेगमेंट को छोटा रखने के लिए अपन तीन विनर्स और तीन लूजर्स के बारे में बात करते हैं। विनर नंबर वन ऑब्वियसली मैक्स वर्स्टैपेन। मैक्स वर्स्टैपेन एंड रेडबुल ऑलमोस्ट अनटचेबल लग रही थी इस पूरे वीकेंड पे। क्वालिफाइंग में सबसे फास्टेस्ट फिनिश करने के बाद इंजन ग्रिड पेनल्टीज लेने के कारण वो 14 से चालू करते हैं और 14 से वो डायरेक्ट फर्स्ट पे आ जाते हैं रेस खत्म होते टाइम। लास्ट रेस के अंदर हंगरी के अंदर हमने देखा था उनको 10th से फर्स्ट फिनिश करते हुए, इस बार हमने देखा 14 से फिनिश करते हुए। लास्ट टाइम ये रिकॉर्ड माइकल शूमाकर ने बनाया था 1995 के अंदर, जब उन्होंने भी 14 से फर्स्ट पे फिनिश किया था बेल्जियम ग्रांड प्री। रेस के शुरुआत में साइंस और पेरेस फ्रंट रनर्स थे, बट वो कहते हैं ना कि रेस में पॉइंट्स फिनिश करने पे मिलते हैं, स्टार्ट करने पे नहीं। मैक्स 14 पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन पे आ गए थे ऑलमोस्ट 8th लैप पे। 10th लैप के बाद तो मैक्स को कैमरामैन ने दिखाना ही बंद कर दिया था, डायरेक्ट उनको दिखाया 40th लैप के ऊपर जब वो रेस जीतने वाले थे। रेडबुल एकदम बैंग ऑन थी अपने कार सेटअप के साथ, अपनी टायर स्ट्रेटेजी के साथ। एक पॉइंट पर तो मुझे ऐसा लगने लग गया था कि भाई वर्स्टैपेन ने जो ये नए पावर यूनिट के अंदर अपग्रेडेशन लिए हैं उनके अंदर कोई फ्यूल ही अलग, कोई जेट फ्यूल तो नहीं डाल दिया। वो कार्स को ऐसे ओवरटेक कर रहे थे जैसे बटन में नाइफ, हॉट नाइफ चला रहे हो। इट वॉज फैंटास्टिक टू सी मैक्स वर्स्टैपेन ऑन सच अ हाई लेवल। विनर नंबर टू स्पा फ्रेंको शॉप्स। रेस के शुरुआत होने के पहले हमने ये देखा कि स्पा फ्रेंको शॉप्स का कॉन्ट्रैक्ट 1 साल और बढ़ा दिया गया। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब क्रॉफ्टी एंड मार्टिन ब्रंडल टर्न के नंबर की जगह टर्न के नाम लेते हैं, जैसे कि वो किसी बंदे का नाम ले रहे हैं, जैसे पुओन, लसॉर्स, कैमल स्ट्रेट, ओरूस एक्सेट्रा। ये जो पूरा ऑरा वो बनाते हैं, ये एक हिस्टोरिक ट्रैक को डिफाइन करने के लिए बहुत है। आज हमने ऑलमोस्ट 90 to 100 ओवरटेक्स देखे, हर ओवरटेक एक से बढ़ के एक था। टर्न्स के ऊपर एलिवेशन चेंजेस इतने हैं कि ओवरटेक्स को देखना कुछ ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाता है। ओकॉन का जो ओवरटेक था जब उन्होंने वेटल और गैसली दोनों को एक साथ ही ओवरटेक करा, इट वॉज अ फैंटास्टिक ओवरटेक टू वॉच। प्लस द पोजिशन ऑफ दिस रेस ऑन द कैलेंडर इज सच कि इट एड्स टू द एक्साइटमेंट ऑफ द रेस। हर टीम समर ब्रेक के बाद कुछ ना कुछ अपग्रेड्स लेके आती है और ग्रिड पेनल्टीज मिलना तो ऑलमोस्ट कन्फर्म ही रहता है। आज बारिश नहीं हुई बट जनरली बारिश होती है तो और एक्साइटमेंट ऐड हो जाता है। कल और आज के अंदर हमने देखा कि जिस बंदे ने भी क्वालिफाइंग जहाँ खत्म करी थी उसने वो आज रेस चालू करी ही नहीं, क्योंकि 8 ड्राइवर्स ने आज इंजन ग्रिड पेनल्टीज ली थी और 2 ड्राइवर तो पिट से चालू कर रहे थे, दोनों अल्फा टावरी। तो ग्रिड की पोजिशन पूरी चेंज जाती है एंड दैट एड्स टू द एब्सोल्यूट एक्साइटमेंट। जो फास्ट कार्स होती हैं वो पीछे भी होती हैं, जो स्लो कार्स होती हैं वो आगे होती हैं, फ्रंट रनर्स बीच में होते हैं, तो इट एड्स टू ऑल द एक्साइटमेंट एंड ऑरा। और 360,000 गेस्ट एंड विजिटर्स वर देयर एंड इट एड्स टू सच अ फैंटास्टिक रेस। मैक्स वर्स्टैपेन का घर बेल्जियम ग्रांड प्री फ्रैंकफर्ट शॉप से 100 किलोमीटर दूर है एंड आपने आज देखा कि ऑरेंज आर्मी पूरी जगह फैली हुई थी एंड मैक्स को जीतते हुए देखना आई एम श्योर उनके लिए बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट होगा। सो मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप बेल्जियम ग्रांड प्री एंड स्पा फ्रैंकफर्ट शॉप वेयर इट इज एंड नॉट टू मूव इट एट ऑल। विनर नंबर थ्री जॉर्ज रसल। जॉर्ज रसल की दाद देनी पड़ेगी, उनने जैसे मर्सिडीज की सीट पर कब्जा ही कर लिया है। मर्सिडीज को इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना कोई आसान बात नहीं है। वो 1 साल पहले विलियम्स के अंदर थे, लास्ट ईयर वो सेकंड पोजीशन पे आए थे वैसे विलियम्स के अंदर, वो द रेस विच वॉज नॉट इवन अ रेस। इस बार उन्होंने इस पूरे सीजन के अंदर 14 रेस मिला के खाली एक बार जब उन्होंने DNF किया था सिल्वरस्टोन के अंदर, उसके अलावा 13 रेसों के अंदर टॉप 5 फिनिश किया ही किया है। इट्स अ कमेंडेबल जॉब एंड आज जो उनकी फाइट थी साइन के साथ मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था अगर 5 या 6 लैप और होते तो वो साइंस को पक्का ओवरटेक करके पोडियम पे खड़े होते। बट ऑल दी कंग्रेचुलेशंस टू रसल फैंस, ही हैज डन ब्रिलियंट दिस ईयर एंड आई एम श्योर उनको मर्सिडीज अगर एक रेस विनिंग कार देगी, अगर मर्सिडीज उनको एक वर्ल्ड चैंपियनशिप विनिंग कार देगी तो मैक्स और रसल की जो लड़ाई होने वाली है मैं उसको देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। वैसे तो विनर के खाली 3 पायदान थे बट मैं चौथा एल्पिन को भी ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह से आज ओलोंजो ने ओकॉन ने रेस करी है, जो पेस आज एल्पिन की थी, जो कार सेटअप आज एल्पिन का था, इट वॉज फैबुलस। मतलब मुझे ये सोच के डर लग रहा है कि ओलोंजो अगर नेक्स्ट सीजन के अंदर एस्टन मार्टिन में जाते हैं तो वो क्या टूथलेस टाइगर टाइप ना बन जाए। उनकी आज रेस देखकर मुझे ऐसा लगा कि भाई ही इज नेवर गॉन एवर। मतलब उनकी जो रेसेस थी 2006, 2007, 2008 जो हमने देखी है उनकी रेसेस, वैसे ही वो आज भी परफॉर्म करते हैं। ही डजंट इवन ड्राइव लाइक अ 40 ईयर ओल्ड।
He drives like a 15-year-old who wants to win every other championship that he's given a good car in. I mean, fantastic. ओकॉन इज कमिंग अप सो वेल. 2019-20 के अंदर मुझे लग रहा था क्या ओकॉन एक मिडफील्डर ही बन के रह जाएंगे, बट ओकॉन हैज शोन वेरी गुड फेसेस. आई डोंट नो इफ ही इज अ फ्यूचर रेस विनर. आई कांट लाइक आउटराइट से हिम एज अ फ्यूचर रेस विनर और अ फ्यूचर चैंपियनशिप विनर, बट आई कैन डेफिनेटली से गिवन अ कपल ऑफ मोर ईयर्स इन अ गुड कार लाइक एल्पिन. एल्पिन के अंदर अगर वो रहे और एल्पिन के पास एक अच्छी गाड़ी बन जाए, एक अच्छी रेस विनिंग कार बन जाए, तो ओलोंजो विल नॉट स्टे बिहाइंड. तो ओकॉन सॉरी तो ओकॉन विल नॉट स्टे बिहाइंड एंड ओकॉन विल कम अप एंड विन रेसेस एंड एंड मे बी जस्ट मे बी इफ द कार इज दैट गुड विन अ चैंपियनशिप इन दिस कार. तो एल्पिन हैज डन अ फैंटास्टिक रेस. आगे जाने के अंदर मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ कि मैकलेरन को उनको टच करते हुए. वैसे मैकलेरन ने हिंट जरूर दी थी इस हफ्ते अपनी पेस की, बट समहाउ इट वाज अ शॉकर कि लैंडो ने स्कोर नहीं करा. इट वाज जस्ट द थर्ड इंस्टेंस आउट ऑफ 14 इंस्टेंसेस लैंडो हैज नॉट स्कोर्ड. दिस इज द थर्ड इंस्टेंस कि उन्होंने 14 रेसों के अंदर इस बार स्कोर नहीं किया है. आई वाज कंप्लीटली ड्रेडेड शॉक्ड. आई विल डू मोर रिसर्च. आई विल फाइंड आउट व्हाई दिस हैपेंड दैट लैंडो डिडन्ट स्कोर. आई वाज एक्सपेक्टिंग रिकार्डो टू अ बिट मोर वाइल्ड एज वेल. जैसे मेरे प्रेडिक्शन के अंदर उनको सेकेंड ही रख दिया था जो वो काफी नीचे थे. बट या आई मीन आई वाज एक्सपेक्टिंग आई वाज वांटिंग रिकार्डो टू डू इट. इट वाज माय इनर रिकार्डो फैन प्रोबेबली इट वाज सेइंग दिस. बट यस एल्पिन हैज डन फैंटास्टिक फॉर देमसेल्फ एंड इट वुड नॉट बी अ शॉक टू सी द रेस्ट 8 रेसेस एल्पिन फिनिशिंग अबव मैकलेरन. लेट्स सी लेट्स होप व्हाट हैपेंस. अब सैडली बात करते हैं लूजर्स की भी. फर्स्ट लूजर ऑब्वियसली इज लुइस हैमिल्टन. लुइस वाज क्वाइट हैप्पी विद द कार सेटअप, दो ही वॉज नॉट हैप्पी विद 1.8 सेकेंड अपार्ट फ्रॉम द लीडर इन द क्वालिफाइंग. बट येस आई एम श्योर इफ हैमिल्टन होते गाड़ी के अंदर और वो DNF नहीं लेते तो आई एम श्योर मर्सिडीज को और बेनिफिट मिलता. वो फिफ्थ पक खत्म कर सकते थे रेस. अपनी मैंने उनकी पेस के हिसाब से ये देख पा रहा हूँ क्योंकि उसके पीछे फिफ्थ पोजिशन पे थे ओलोंजो, देन उसके बाद थे चार्ल्स. बट आई रियली थिंक दैट इट वॉज ड्रेडफुल टू सी हैमिल्टन वॉकिंग अलोन ऑन दिस ट्रिप ऑफ 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 द ड्राई अनफिनिश्ड रोड दैट वॉज देयर. 7-time वर्ल्ड चैंपियन को ऐसे देख के मेरे को ऐसा लग रहा था कि पोएटिक था बहुत वो मोमेंट. कैमरामैन ने शॉट भी काफी इंटरेस्टिंगली लिया था. आई एम श्योर वो सोशल मीडिया पे चलता रहेगा वो मीम. बट इट वॉज हार्ट ब्रेकिंग टू सी हैमिल्टन नॉट फिनिशिंग. आई थिंक ही वॉज अ जेंटलमैन बाई गिविंग दी इंटरव्यू, दो ओलोंजोस कमेंट ऑफ कॉलिंग हिम एन इडियट वॉज क्वाइट हार्श, बट हैमिल्टन वॉज वेरी ग्रेशियस इन एक्सेप्टिंग हिज मिस्टेक. ही सेड दैट ही वॉज ब्लाइंड फोल्डेड एंड ही ब्लाइंड साइडेड ओलोंजो एंड उन्होंने जल्दी कट कर लिया था. ओलोंजो वॉज ऑन द रेसिंग लाइन एंड ही शुड हैव बीन वेयर ही वॉज. जिसका खामियाजा ना, आई थिंक द मिस्टेक वॉज नॉट बिग एज बिग एज द रिजल्ट फॉर हैमिल्टन वॉज. उनको पनिशमेंट ज्यादा बड़ी मिल गई. बट या आई मीन दैट्स द सैड रियलिटी ऑफ मोटर स्पोर्ट्स. वन स्मॉल मिस्टेक एंड एंड यू एंड अप इन ग्रेवल एंड बीचिंग योर होल कार. दैट्स व्हाट हैपेंड. बट हैमिल्टन की गाड़ी एक पॉइंट पे 1-2 मीटर ऊपर उछल भी गई थी. थैंक गॉड ही सेफ. इट ओनली द प्रॉब्लम वॉज इन द कार. ठीक है, चलता रहता है, कोई हारता है कोई जीतता है. गुड डेज बैड डेज कम. बट आई रियली लाइक हाउ हैमिल्टन हैंडल द होल सिचुएशन एंड इन ग्रेशियसली टोल्ड दैट ही वॉज एट फॉल्ट एंड आई थिंक द मैटर रेस्ट देयर इटसेल्फ. देन लूजर नंबर टू, लाइक वी टॉक्ड अबाउट मैकलेरन, लैंडो नॉरिस नॉट स्कोरिंग इज अ बिग थिंग. मैकलेरन हैज इन्वेस्टेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. दे हैव टेकन इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम दी कंपनीज आउटसाइड. उन्होंने पिछले साल या उसके पिछले साल अपना ऑफिस भी रेंट आउट कर दिया था. उन्होंने दे हैव गिवन एवरी थिंग. जैक ब्राउन हैज गिवन एवरी थिंग टू द टीम. एंड्रिया सिटल इज अ फैंटास्टिक टीम प्रिंसिपल. बट समहाउ आई वोंट से दिस होल सीजन, बट आई थिंक दिस रेस स्पेसिफिकली दे हैवन परफॉर्म. लैंडो वॉज स्टक बिहाइंड द DRS ट्रेन एंड इट हैपेंड एंड इट लास्टेड फॉर द होल रेस. आई होप अगर वो फिनिश करते भी हैं फिफ्थ, इट इज नॉट एट द एंड ऑफ द वे एंड ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज द मैकेनिज्म ऑफ हाउ द होल फर्स्ट टू लास्ट टीम रेसेस फिनिशेज इज
लास्ट वाली टीम को ज्यादा विंड टनल मिलता है, विंड टनल टाइम मिलता है। तो इनको मैकलेरन को अगर वो फिफ्थ आते भी हैं तो आई एम श्योर दे विल कम अप बैक अगेन इन 2023। आई डोंट नो उनका ड्राइवर कौन होने वाला है, रिकार्डो तो नहीं होने वाला लाइक द अनाउंसमेंट अर्लियर दिस वीक, बट आई रियली बिलीव दैट मैकलेरन नीड्स टू पुल अप देयर सॉक्स लाइक हैमिल्टन सेड, जंप ऑन द ट्रेडमिल एंड स्टार्ट वर्किंग आउट देयर हार्ड मनी। दैट व्हाई इज इट हैपनिंग दैट आफ्टर सो मच एफर्ट दैट दे आर पुटिंग इन, द रिजल्ट्स आर नॉट टर्निंग आउट। स्पेशली अगर हम देखें कि भाई आज मैकलेरन के आगे कौन कौन थी, शॉकिंगली वेटल फिनिश्ड बिफोर मैकलेरन, गैसली फिनिश्ड अबव मैकलेरन, विलियम्स फिनिश्ड अबव मैकलेरन, फैंटास्टिक रेस फ्रॉम अल्बॉन, उनकी बात वापस करते हैं, बट अभी खाली मैकलेरन की बात करते हैं। सो मैकलेरन फिनिश्ड विद 0 पॉइंट्स, दैट्स अ शॉकर, नाउ 20 पॉइंट्स बिहाइंड एल्पीन, दे नीड टू रियली बक अप एंड कम अप विद समथिंग इन द नेक्स्ट 8 रेसेस। एंड देन द लास्ट एंड द लीस्ट, फरारी। बहुत हार्ट ब्रेकिंग है फरारी को यहाँ देखना, बहुत हार्ट ब्रेकिंग है फरारी। मतलब ऐसा लगता ही कई बार कि भाई एक्सपेक्टेशन ही ना दो ना, कि हम रोएंगे ही ना। फॉर्मूला वन का हर फैन कहीं ना कहीं फरारी फैन जरूर है, एंड फरारी को ऐसे देख के किसी को भी पसंद नहीं आता। मतलब लास्ट सेकंड लास्ट लैप पे आपको चार्ल्स को गैम्बल करने के लिए बोला ही क्यों? चार्ल्स ने मना भी कर दिया था रेडियो पे, वो मैं अंदर नहीं आऊंगा, आई डोंट वांट टू गैम्बल माय फिफ्थ पोजीशन, बट ही दे लिटरली कॉल्ड हिम इनसाइड। अब तो ऐसा लग रहा है कि ड्रैग करके ड्राइवर्स को नीचे खींचा जा रहा है। मतलब फिफ्थ और सिक्स आए कैसे? मतलब फिफ्थ उन्होंने ऐसा ही हुआ कि भाई फिफ्थ पोजीशन वो खत्म कर रहे थे, 42nd लैप पे उनको बुलाया गया कि भाई फास्टेस्ट लैप मारेंगे, इतनी देर के अंदर लिप पिट से निकल रहे थे, अलोंजो ने उनको ओवरटेक कर लिया, ओलोंजो को पीछे करते करते उन्होंने रेस खत्म कर दी, ना फास्टेस्ट लैप आया और पिट स्टॉप पे स्पीडिंग के कारण उनको पेनल्टी मिल गई 5 सेकंड की और वो पीछे हो गए। तो जहां फिफ्थ खत्म करने वाले थे वो सिक्स खत्म किया, क्या लॉजिक था इस बात का पता ही नहीं। फरारी के ना रैंट करने का मन करता है, बट समाव मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि अंदर से सहानुभूति और प्यार भी है थोड़ा बहुत फरारी के लिए। बट रेस सेटअप की अगर कार सेटअप की बात करें तो उन्होंने थोड़ा डाउनफोर्स एक्स्ट्रा किया ताकि इसके कारण पूरी कार ड्रैगी हो गई और वो स्ट्रेट्स पे फॉर्म अच्छा नहीं कर पा रहे थे, स्पेशली हाई एलिवेशन स्ट्रेट्स के ऊपर और हाई स्पीड कॉर्नर्स के ऊपर। जहां भी हाई स्पीड कॉर्नर्स थे बट लो एलिवेशन था वहां तो वो ठीक परफॉर्म कर रहे थे, बट उसके अलावा गाड़ी काफी ड्रैगी थी, स्ट्रेट लाइन पे उतनी अच्छी स्पीड नहीं बना पा रही थी। ठीक है, जब डीआरएस मिलता था, जैसे आपने देखा क्वालिफाइंग के अंदर साइंस ने डीआरएस लेके जो स्लिप स्ट्रीम ली थी चार्ल्स की, उसके बाद भी वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे वैसे तो, बट ठीक है, गाड़ी के अंदर अच्छी स्पीड थी बट कार सेटअप वॉज नॉट एप्ट एंड इट वॉज नॉट कम्पिटेबल टू अ स्टैंडर्ड वेयर रेड बुल इज राइट नाउ। सो आई रियली फील हार्ट ब्रोकन टू सी फरारी वेयर इट इज राइट नाउ। एंड ठीक है, कार सेटअप एक बात है, ड्राइवर्स आर परफॉर्मिंग वेल, बट सम ऑफ द स्ट्रैटेजी इज ब्रिंगिंग नाउ द होल फरारी ट्रेन लाइक दैट दैट देर इज नो टर्निंग बैक देन। आई डोंट थिंक फरारी इज नाउ एबल टू, विद दैर एटीट्यूड, स्पेशली विद दैट एटीट्यूड, दे विल नॉट बी एबल टू कम्पीट विद रेडबुल। पेरेस ने चार्ल्स को ओवरटेक कर ही लिया है वैसे भी, एंड नाउ चार्ल्स इज ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स बिहाइंड एंड रेड बुल फरारी पता नहीं कितने पॉइंट आ गया, गिनना भी छोड़ दिया मैं तो। बट या इट इज जस्ट एंटरटेनमेंट, जस्ट इमेजिन दैट फरारी इज बैक इन 2019 डेज एंड दिस सीजन अगेन इज डाउन द गटर। स्ट्रिक्ट एक्शंस देने की जरूरत है फरारी के ओनर्स को, स्पेशली इफ पॉसिबल। आई डोंट नो हाउ हु इज एट फॉल्ट राइट नाउ, बट Whoever is making the strategy in Ferrari, if people above are doing it, then please sack them. If people below are doing then please sack all of the team, because what are the people above doing? But anyways, enough with the rant. I really want Ferrari to perform well. ये सीजन तो छोड़ दिया उन्होंने, मेरे को लगता है उनको डेवलपमेंट भी छोड़ देना चाहिए, एरोडायनामिक्स नेक्स्ट ईयर पे काम करना चाहिए। अब अपग्रेड लाने का क्या ही फायदा होगा, सेकेंड भी फिनिश कर ले तो ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जो मेरे ख्याल है वो कंफर्टेबली कर ही देंगे, गाड़ी ठीक है बनाई दी है, ड्राइवर परफॉर्म कर रहे हैं, अब स्ट्रैटेजी की बात ना सुनो, रेडियो बंद करके साइड पटक दें और सिर्फ गाड़ी चलाएं, और जब टायर लाना हो, टायर की जरूरत हो तो अंदर आ जाए, बता दे कौन सा टायर लाना है, दे विल डू द वर्क। एनीवेज, इनफ विद द रैंट्स ऑफ फरारी, नाउ लेट्स कॉल दिस वीडियो अ रैप बाय स्पेशली मेंशनिंग 3 परफॉर्मेंसेस। फर्स्ट इज वेटल, ही फिनिश्ड P8। आई ट्रूली बिलीव दैट
ही हैज डन फैंटास्टिक. उनकी जो आखिरी 9 रेसों में से ये नवी रेस थी, आई थिंक ही हैज डन फैंटास्टिक ऑन द रेस ट्रैक. ही वाज लुकिंग एब्सोल्यूट शार्क. एंड लाइक यू ऑल नो, आई एम अ वेटल फैन बॉय एंड इट इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग टू सी हिम लीव आफ्टर दिस सीजन. बट आई रियली एंजॉयड सीइंग हिज रेस. एंड देन लेट्स टॉक अबाउट गैसली. फ्रॉम लिटरली पिट लेन टू P9, I think it was an amazing performance by Gasly. A very quiet, slow and steady, he was creeping up the order and he did a very good race. But yes, I believe the shocker of the show was Alex Albon gaining his fourth point of Williams. And I think it was the biggest deficit of any teammate. Again, when एल्बन वॉज P10 एंड आई थिंक लटीफी वॉज P18. अगर वो 20 लोग होते तो शायद वो 20वां फिनिश करते. एनी वेज, इनफ विद लटीफी लटीफी, बिकॉज आई रियली थिंक दैट इफ विलियम हैड टू परफॉर्म, एलेक्स इज गिविंग सच अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर योस कैपिटो एंड ऑल द इन्वेस्टमेंट ऑफ डॉरल्टन कैपिटल आउट देयर इन विलियम्स. बट वेयर द हेल इज लटीफी? वॉट इज ही डूइंग? ओके, लेट्स, इट्स द वीडियो इज नॉट अबाउट हिम, लेट्स टॉक अबाउट एल्बन इटसेल्फ. बट एल्बन इज अ फैंटास्टिक रेस. It was an amazing setup by Williams. What a straight line speed. एक पॉइंट पे फरारी को लेक्लेयर को बोलना पड़ गया कि यार पिट के अंदर आप इस टाइम पे आओ उस टाइम पे आओ ताकि आप एलेक्स के पीछे ना आ पाओ, बिकॉज फर्स्ट सेक्टर के अंदर विलियम्स वॉज एब्सल्यूट रॉकेट. इट वॉज परफॉर्मिंग रियली वेल एंड कूडोस टू ऑल ऑल द विलियम फैंस. धीरे धीरे मैं भी थोड़ा बहुत विलियम्स फैन बनता जा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द सेटअप एंड एवरीथिंग. जस्ट ये आई रियली वॉन्ट टू सी नेक्स्ट ईयर लटीफी की सीट पे निक डिवरीज, बिकॉज आई बिलीव निक डिवरीज इज अ फैंटास्टिक ड्राइवर. आई डोंट नो व्हाट विल हैपन विद द अदर ड्राइवर मार्केट एक्सेट्रा, बट विलियम्स डिजर्व अ रूकी ड्राइवर एंड अ रूकी ड्राइवर लाइक निक डिवरीज. गिव हिम जस्ट 1 ईयर इन द कार 2023 के अंदर, 2024 के अंदर अगर निक डिवरीज को देखोगे वापस, तो आई एम श्योर ही विल बी परफॉर्मिंग लाइक ऑन द सेम प्लेटफॉर्म एज एलेक्स एल्बॉन. It is really exciting time to come with Audi also coming in the picture. I'm sure in a couple of months we'll see Porsche also joining it. I hope Porsche will join it and Porsche will join us on the grid. But let's see. It was a fantastic race. I really liked watching the whole race. Tell me in comments कि आप लोगों को कैसा लगा? How did you find the race? I know your video थोड़ा लंबा हो गया. I'll try to keep it short the next time. But please tell me your favorite driver, your favorite overtake, and every good moment of the race in the comments. Next week, मिलते हैं अपन जैनवॉट के अंदर. It was fantastic circuit. I'll talk in detail about the circuit in the coming videos. Until then, please take care of yourself.